Hello, in this tutorial, we are going to cover drafting equipment and supplies. The learning objectives of today's lecture are describe and demonstrate the use of manual drafting equipment and supplies, explain the concept of drying scale, and identify common inch and metric scales. So now let's get started. The drafting procedure is basically categorized or described in three different forms: freehand sketching, manual drafting, and finally the computer aided drafting. In freehand sketching, grid paper is basically used to draw the sketch. Freehand sketching के अंदर जो है हमको एक draft paper के ऊपर अपने object को मतलब के जो भी हमारा जो product है उसको draw किया जाता है. जबकि manual drafting के अंदर आप tools and equipments की मदद से अपने product को ड्रा करते हैं, उसकी शेप को, उसकी ज्योमेट्री को. और कैड वर्कस्टेशन के अंदर आप कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस और फ्लैट पैनल मॉनिटर की मदद से आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं. तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है इन तीनों मेथड के अंदर, सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो आपका मैनुअल ड्राफ्टिंग के अंदर. फ्री हैंड स्केचिंग जो है, क्योंकि उसके अंदर आपने किसी पर्टिकुलर टूल्स की या कोई रिक्वायर्ड ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल फ्री हैंड स्केचिंग के थ्रू ड्राइंग ड्रा करते हैं. तो इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है इस किसी भी प्रोडक्ट को ड्रा करने का वो कम होता है. जैसा कि यहाँ पे आपको एक फ्री हैंड स्केच दिखाया गया है जो कि बेसिकली बॉल पेन हैमर का है, और तकरीबन एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 35 मिनट है इस प्रोडक्ट की ड्राइंग को बनाने के लिए. जबकि आप अगर इसको ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट्स की मदद से अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे तो आपके तकरीबन एस्टिमेटेड 95 मिनट जो है वो रिक्वायर्ड होंगे इस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करने के लिए, उसकी ड्राइंग को बनाने के लिए. और अगर यही प्रोडक्ट आप कंप्यूटर पे बनाएंगे, कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग के थ्रू उसकी ड्राइंग बिल्ड करेंगे, तो तकरीबन ऑन एवरेज आपको 40 मिनट्स लगेंगे. ऑल्दो ये 40 मिनट्स आपके जो फ्री हैंड स्केच ड्राफ्टिंग है उससे ज्यादा है, लेकिन ये मैनुअल ड्राफ्टिंग से कम है. तो आज के दौर में वैसे भी मैनुअल ड्राफ्टिंग बहुत ना होने के बराबर होती है, क्योंकि आज के इस जदीद दौर के अंदर जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्यूटर के ऊपर ही की जाती है विद द हेल्प ऑफ एनी 2D सॉफ्टवेयर. इट कैन बी ऑटोकैड, ड्राफ्ट साइन एंड सम अदर सॉफ्टवेयर जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उनकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट की ड्राइंग जो है वो बिल्ड करते हैं. लेकिन बहरहाल इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग के इस सब्जेक्ट के अंदर हमने मैनुअल ड्राफ्टिंग जो है, इक्विपमेंट है, सप्लाईज है, उनको भी देखना है. तो हम अपने वन बाय वन ड्राफ्टिंग सप्लाईज के बारे में अपने नॉलेज को इन्हांस करते हैं. तो सबसे पहले हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से ड्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और हम उनको किस तरीके से यूज करते हैं. तो एक्यूरेट ड्राइंग करने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स या एक्सेसरीज रिक्वायर्ड होती हैं वो कुछ इस तरह से हैं जी. सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास ड्राइंग बोर्ड, फॉलोड बाय द मिनी ड्राफ्टर, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बोर्ड जिसको हम कंपास और उसकी फर्दर जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो सारी आपकी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स बोर्ड्स के अंदर आ जाती हैं. इसी तरीके से अगर आपने कोई एंगल्स पे लाइन ड्रा करनी है, एदर इट इज अ 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो हमें सेट स्टेल रिक्वायर्ड है. स्टेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेल जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, लाइक मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर एंड सो ऑन. प्रोटेक्टर, इरेगुलर फ्रेंच कर्व, ड्राइंग पिंस और क्लिप्स, ड्राइंग शीट्स एंड पेपर्स, पेंसिल्स, पेंसिल शार्पनर एंड इरेजर, इरेजिंग शील्ड, टेम्पलेट्स, डस्टर, फ्लेक्सिबल कर्व्स, ट्रेसिंग पेपर, टी स्क्वायर, शीट कंटेनर, सैंड पेपर एंड पेपर नैपकिन और हैंडकरचीफ. तो वन बाय वन हम इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल के साथ देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम मेनली इन कैटेगरीज के अंदर, इन सिक्स कैटेगरीज के अंदर डिस्क्राइब करेंगे. सबसे पहले
बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स की एक कैटेगरी है जिसके अंदर आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कर्व लाइन ड्रा करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से मेजरिंग डिस्टेंस और मेजरिंग एंगल्स के लिए भी हमारे पास कुछ डिस्टेंस अवेलेबल है, और सम स्पेशल टूल्स जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है ड्राइंग को बनाने के लिए। तो ये है जी उनकी समरी। बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपके पास ड्राइंग बोर्ड, शीट पेपर, पेंसिल, पिंस, शार्पनर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें आपकी बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स में आती है। स्ट्रेट लाइन के लिए आपको टी स्केल और सेट स्केल जो है वो रिक्वायर्ड है। कर्व लाइन के लिए आप प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स बोर्ड्स, इरेगुलर और फ्रेंच कर्व्स और फ्लेक्सिबल कर्व्स जो है वो यूज की जाती हैं। मेजरिंग डिस्टेंस के लिए स्केल्स और प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरीके से मेजरिंग एंगल के लिए आप 45 एंड 30 और 60 डिग्री के सेट स्केल को यूज करते हैं, और इसके साथ साथ आप प्रोट्रैक्टर को भी यूज कर सकते हैं। और स्पेशल टूल्स के अंदर हमारे पास मिनी ड्राफ्टर है। तो बात करते हैं जी सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड की। बेसिकली ड्राइंग बोर्ड क्या है? इस ड्राइंग बोर्ड वो बोर्ड है जिसके ऊपर आप अपने पेपर को, मतलब अपने ड्राइंग के पेपर को प्लेस करके उसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट की जो ड्राइंग है वो बनाते हैं। तो इस ड्राइंग बोर्ड की बेसिकली दो सर्फेसिस होती हैं, एक टॉप सर्फेस होती है और एक बॉटम सर्फेस होती है। जो टॉप सर्फेस होती है जी वो स्मूथ होती है क्योंकि आपने उसके ऊपर अपने पेपर को प्लेस करके अपनी ड्राइंग को बनाना है। अगर वो सरफेस रफ होती तो उसका नतीजे में क्या नुकसान होगा कि आपकी जो ड्राइंग है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बन पाएगी। इसी तरह से ड्राइंग बोर्ड की एक बॉटम सरफेस है जो जो कि आपकी डेफिनेटली ड्राइंग बोर्ड की अदर हाफ अदर साइड है। और जो ड्राइंग बोर्ड है वो नॉर्मली सॉफ्ट वुड, ऑट और पाइन की मदद से बनाया जाता है, और इसका ई बोनी एक एज होता है लेफ्ट साइड पे जिसकी मदद से टी स्टेयर जो है अप एंड डाउन मूव करता है ताकि आप स्ट्रेट लाइंस को ड्रा कर। तो ये आपके सामने है जी उसकी इलस्ट्रेशन। ये आपके पास वर्किंग सरफेस है जिसके ऊपर आप अपने पेपर को प्लेस करके अपने प्रोडक्ट की किसी भी प्रोडक्ट की ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास ड्राइंग बोर्ड की बॉटम सरफेस है, और यहाँ पे उसको जो फ्लोर से थोड़ा सा अप रखने के लिए इसके अंदर यहाँ पे स्पोर्ट्स प्रोवाइड की गई है। तो ये है जी हमारे पास ई बोनी एज जिसके साथ आपके टी स्टेयर को रखा जाता है, और नॉर्मली वो लेफ्ट साइड पे प्लेस होता है टी स्टेयर ताकि आप अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेट जो लाइन है हॉरिजेंटल लाइन जो है वो आप ड्रा कर सके। डिफरेंट स्टैंडर्ड जो है ड्राइंग बोर्ड के अवेलेबल है, और वो D0, D1, D2 एंड D3 के डेजिग्नेशन के साथ मार्केट में अवेलेबल है, और इनके जो साइज है वो मिलीमीटर्स के अंदर लेंथ इनटू विड्थ के अंदर इस तरीके से शो किए गए हैं, जैसा कि 1270 × 920, 920 × 650 एंड सो ऑन। तो ये स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड के साइजेस हैं जो कि मार्केट के अंदर आपको मिलते हैं। मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि यूज की जाती है पैरेलल, इंक्लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस को स्पीडली ड्रा करने के लिए, और ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर माउंट होता है और एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है इसको माउंट किया जाता है। और इसके साथ जो ड्राफ्टर है वो कंसिस्ट होता है बेसिकली स्केल के साथ, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ड्राफ्टर एक स्केल के साथ कंसिस्ट होता है, और उसके साथ साथ स्केल स्क्रू होता है जिसके साथ आप इस स्केल को टाइट करते हैं। फिर हमारे पास एक स्केल प्लेट होती है, इस स्केल प्लेट के ऊपर बेसिकली आप स्क्रू को एडजस्ट करके स्केल स्क्रू के साथ उसको टाइट कर लेते हैं ताकि वो मूव ना करे। देन हमारे पास एक बार प्लेट होती है, और स्टील की ये बार्स हैं जो कि कनेक्ट करती हैं इन बार प्लेट्स की मदद से आपके इस क्लैंपिंग मैकेनिज्म को, जो कि ये फिक्स साइड होगी और ये मूवमेंट की साइड है। इसकी मदद से आप अपने पेज के ऊपर हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इंक्लाइन लाइन को ड्रा करते हैं और पैरेलल लाइंस भी ड्रा कर सकते हैं, और इस बार प्लेट की मदद से आप अपने इस जो स्केल प्लेट है इसको अप एंड डाउन और राइट लेफ्ट जो है इसको मूव कर सकते हैं। बेसिकली मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल जो है ज्यादातर ओल्ड एज, जब हम अगर आप बात करें हिस्ट्री के अंदर ज्यादा यूज होता था, जब कंप्यूटर्स का दौर ना होने के बराबर था, तो तब जो ड्राइंग बनती थी ज्यादातर वो मैनुअल ड्राफ्टिंग के थ्रू ही बनाई जाती थी, इसलिए तब मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल बहुत होता था। अब ये बहुत ही कम यूज होते हैं। बहरहाल
हमें आइडिया और इलम होना चाहिए कि मिनी ड्राफ्टर क्या होते हैं और इनको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल आज के इस दौर के अंदर ज़्यादातर जो भी ड्राइंग्स हैं स्पीडली ड्रा की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड, ड्राफ्ट साइन एंड सम अदर जो 2D के सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बोर्ड, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बोर्ड जो है इसके अंदर एक लार्ज कंपास होती है, उसी तरह से एक स्मॉल कंपास होगी और लार्ज डिवाइडर एंड स्मॉल डिवाइडर होता है, इंकिंग पेन होता है, एक्सटेंशन बार होती है ताकि आपकी कंपास की मदद से आप फर्दर लार्ज डाया के लार्ज रेडियाई के सर्कल्स को या आर्क्स को ड्रा कर सकें, और उसके साथ साथ एक इंकिंग अटैचमेंट होती है फॉर द कंपास। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी लार्ज कंपास को। लार्ज कंपास जो है बेसिकली यूज की जाती है आपके सर्कल्स को, आर्क को और डिफरेंट रेडियाई को ड्रा करने के लिए जिनका रेडियस जो है वो लार्ज होता है। और ये जो लार्ज कंपास है बेसिकली ये लेड जो है इसका शार्पन बेवल होता है आउटसाइड पे, और जो नीडल पॉइंट है इस कैप अबाउट 1 मिलीमीटर लॉन्गर देन द लेड। ये मैं आपको इस फिगर के थ्रू आपको इलस्ट्रेट करता हूँ कि ये आपके पास जी शार्पन है आउटसाइड पे, बेसिकली ये आपके पास कंपास है, लार्ज कंपास है, और ये शार्पन जो है आउटसाइड पे है, ठीक है, जो लेड है हमारे पास, और ये जो नीडल है इस नीडल को 1 मिलीमीटर जो है इंक्रीज होती है ताकि जब आप ड्राइंग को ड्रा करें अपने पेपर के ऊपर तो ये पेपर के अंदर चली जाती है इतना हिस्सा इसका 1 मिलीमीटर का, ताकि वो उसकी ड्रिप हो जाए आपके पेज के साथ और ड्यूरिंग द ड्राइंग जो है आपकी नीडल जो है वो अपनी पोजीशन से डिस जॉइंट ना हो सके। इसी तरीके से हमारे पास एक कंपास है जिसके साथ एक लेग है जो कि बेंड है एक जॉइंट के ऊपर, ताकि आप परपेंडिकुलर जो लाइन है वो ड्रा कर सके अपने पेपर के ऊपर। और सम टाइम अगर फर्दर लार्ज आपको सर्कल्स या रेडियस चाहिए होती हैं तो आप एक एक्सटेंशन बार को यूज करते हैं जिसकी मदद से आप फर्दर लार्ज डाया के रेडियाई और सर्कल्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं, डिफरेंट जो आर्ट्स और सर्कल्स हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर 0.3, 4 और 5 के अंदर इन्हीं नेक्स्ट फिगर के बारे में, इलस्ट्रेशन के बारे में बताया हुआ है। देन हमारे पास स्मॉल स्प्रिंट कंपस है जी। स्मॉल स्प्रिंग कंपस जो है अगेन आपके डिफरेंट सर्कल्स और स्मॉल आर्क जो है अप टू 10 से 25 मिलीमीटर जिनका रेडिया ही होते हैं ड्रा करने के लिए यूज की जाती है। स्क्रू और नट अरेंजमेंट जो है इसकी साथ आती है जो कि रेडियस को एक्यूरेटली सेट करने के लिए यूज किया जाता है, और इस अरेंजमेंट को जो है डज नॉट अलाउ द सेटिंग टू बी डिस्टर्ब, ताकि जब आप ड्रा करें अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी सर्कल या आर्ट आपने ड्रा करनी है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आप उसको स्क्रू और नट के साथ टाइट कर लेते हैं। तो इसकी दो तरह से टाइट्स होती हैं जी, आपके स्क्रू और नट की, जो कि आपको यहाँ इस फिगर के अंदर शो हो रही है। पहली वाली जो टाइप है ये स्मॉल स्प्रिंग बो टम्पस है, इस स्मॉल टम्पस को बो टम्पस का भी नाम कहा जाता है, जिसके अंदर जो स्क्रू है आपका राइट साइड पे, और टाइप टू जो स्मॉल स्प्रिंग बो टम्पस है इसके अंदर इसके सेंटर के अंदर भी एक एडजस्टेबल लगा होता है ताकि आप अपनी इस जो टम्पस है उसको एडजस्ट कर सके। और यूजिंग द स्मॉल स्प्रिंग बो टम्पस यू कैन ड्रा अ सर्कल ऑफ अ स्मॉल रेडियस। प्रोसीजर क्या है इसको हैंडल करने का बो टम्पस को, कि आप एक सेंटर के अंदर मतलब जिस पॉइंट से आपने लाइन ड्रा सर्कल को ड्रा करना है उस पॉइंट पे अपनी नीडल की साइड रखेंगे और फिर आप इसको ड्रा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और आपकी जो शेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जो सर्कल है वो बन जाएगा। फाइनली वी हैव अ लार्ज डिवाइडर एंड द स्मॉल डिवाइडर। द मेन पर्पज ऑफ डिवाइडर इज टू बेसिकली मेजर द डिस्टेंस और मार्क ऑन अ पेपर, मतलब कि इट एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप डिवाइडर के साथ लेट से 2 मिलीमीटर की एक जो डिस्टेंस है जो लाइन की लेंथ है वो आप मेजर कर लेते हैं, और देन आप पेपर के ऊपर इस डिवाइडर की मदद से मार्क को प्लेस करते हैं। वो सारे मार्क जो है डेफिनेटली 2 मिलीमीटर के इक्वल होंगे। पर्पज इसका क्या होगा कि आपका टाइम सेविंग होगी, आपको स्केल की मदद से बार बार मार्क को पेपर के ऊपर
ड्रा नहीं करना पड़ेगा, आप डिवाइडर की मदद से इसको ड्रा कर लेंगे और देन आप इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और द स्केल एज वेल। आप डिवाइडर को ट्रिपल और डबल मतलब ओरिजिनल साइज से ज्यादा भी स्केल के ऊपर ड्रा करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये जो डिवाइडर है बेसिकली डबल ऑफ द ओरिजिनल साइज के मुताबिक उसको ड्रा कर रहे हैं, और यहाँ पे जो स्केल है हमारे पास यूज टू डबल और द ट्रिपल एक्सेट्रा द साइज ऑफ एनी ड्राइंग, तो डिवाइडर इस पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। इंटिन पेन और इंटिन अटैचमेंट फॉर कंपास जो है बेसिकली यूज की जाती है। इंटिन रोलिंग पेन जो इंटिन एंड इंटिन अटैचमेंट जो है कंपास के साथ एनेबल करती है एडजस्टमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ लाइन जो कि ड्रा की जाती है, तो आपकी जो लाइन की थिकनेस है वो आप इस इंटिन पेन की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। और जो आपकी इंटिन के साथ रोलिंग पेन होता है इट हैज द टू निब That was used for the purpose of gap between them. तो जब आप gap increase या decrease करना चाहते हैं वो आप easily कर सकते हैं with the help of screw, जो टेट correspondingly increase और decrease कर सकता है thickness of line in a drawing. तो आप इन दो nibs की मदद से line की thickness को increase और decrease कर सकते हैं, और इसकी controlling जो है वो आप एक screw की मदद से perform करते हैं, establish करते हैं। और जो रेंज ऑफ पेन्स है वो अवेलेबल है ड्राइंग लाइंस की फॉर द केस ऑफ वेरियस थिकनेस, और अ नंबर ऑफ सच पेन्स कैन बी यूज डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस रिक्वायर्ड। और यहाँ पे आपको एक इंकिन पेन नजर आ रहा है जी, ये इंकिन रोलिंग पेन है आपके पास, ये इंकिन अटैचमेंट है फॉर कंपास के लिए, और ये आपके पास फिक्स थिकनेस के लिए एक पेन जो है वो ड्रा किया हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पे। सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर आर बेसिकली यूज टू ड्रा एंगल ऑफ 45 डिग्री 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड द मोस्ट कॉमन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, दीज आर द बेसिकली मोस्ट कॉमन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, और इनको हम टी स्क्वायर के साथ कंजक्शन के साथ यूज करते हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर लाइन को ड्रा करने के लिए, लाइक आप 45 30 60 90 और उसके साथ साथ आप पैरेलल अगर लाइंस को ड्रा करना चाहें तो आप टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर दोनों टी कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए लाइंस को ड्रा करते हैं, और दे आर हाईली एक्यूरेट रिजल्ट इफ यूज्ड बाय अ स्किलफुल पर्सन, तो एक इसके लिए अगर स्किलफुल पर्सन की मदद से आप ड्रा करेंगे ड्राइंग को तो ये हाईली एक्यूरेट जो है आपकी लाइंस को ड्रा करने के लिए यूज होंगे। सो बी सर्टन टू होल्ड द टी स्क्वायर विद ट्राइंगल्स फॉर्मली विद वन हैंड व्हेन ड्राइंग द लाइंस, तो मेक श्योर जब आप टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर टू बोथ कॉम्बिनेशन को यूज करें एक हाथ आपका टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर के ऊपर होना चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन से डिसजॉइंट ना हो जाए, और सेकंड हैंड जो है उसकी मदद से आप अपनी लाइन को ड्रा करेंगे। टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर जो है इन दोनों की मदद से आप 15 डिग्री के इंक्रीमेंट के ऊपर ये सब एंगल्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं, लाइक 15 डिग्री 30 45 60 एंड सो ऑन, तो ये सब एंगल्स जो है आप 15 डिग्री के इंक्रीमेंट के साथ विद द हेल्प ऑफ टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर ड्रा कर सकते हैं। स्केल, स्केल इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट विद अ सिस्टम ऑफ ऑर्डर्ड मार्क्स एट फिट्स इंटरवल यूज एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन मेजरमेंट्स, तो स्केल इज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड विद अ पोर्शन यूज इन डिटरमिनिंग द डायमेंशनल रिलेशनशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अ ड्राइंग, सो इंजीनियर स्केल्स आर यूज टू मार्क द रिक्वायर्ड मेजरमेंट्स ऑन अ लाइन, स्केल्स आर यूजली 6 to 12 इंचज लॉन्ग एंड मोस्टली मेड अप ऑफ wood, plastic and a metal. Scale is basically used on two types, US customary system or the metric system. US customary system in inch based system and the metric system is basically millimeter based. So the most common type of scale used in technical drawing are mechanical engineer scale, civil engineer scale, architectural and the
मेट्रिक स्केल्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्केल. सो द मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्केल इज यूज एज अ यूएस कस्टमरी इंच फ्रैक्शन यूनिट्स ऑफ मेजर एंड इट कैन बी और इट इज बेसिकली सब डिवीजन इंक्लूड 1/32 inches, 1/16, 1/18 inches एंड सो ऑन. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो स्केल है उसके अंदर आपकी जो सब डिवीजन है 1/32 से लेते हुए 1/16, 8 and 14, हर एक के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है. मतलब इसका यह है कि इस ये एक इंटरवल के अंदर 0 से 1 के दरमियान ये जो सब आपके पास सब डिवीजन है इन सब की टोटल जो काउंटिंग है वो 32 के बराबर है, इसलिए हम इसको 1/32 inch स्केल कह रहे हैं. इसमें 16 होनी थी उसको हम 16 कहेंगे, इसमें 18 8 होनी उसको हम 1/8 कहेंगे एंड सो ऑन. सिविल इंजीनियर स्केल इज बेसिकली यूज अगेन यूएस कस्टमरी इंच डेसिमल यूनिट्स ऑफ मेजर एंड सिविल इंजीनियर स्केल इज आल्सो कॉल्ड डेसिमल इंच स्केल. द इंच डेसिमल यूनिट इज यूज्ड बाय द मोस्ट इंडस्ट्रीज यूजिंग द यूएस कस्टमरी सिस्टम. So, civil engineering scale subdivision include 10, 20, 30, 40, 50 and 60 parts per inch. Architecture scale is also used to prepare for the plan for structures or the foot is basically divided into the 12 parts. So, inch on a drawing can equal to the actual inch or fit dimensions of a building. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से 1/4 inch की जो स्केल है आपकी आर्किटेक्चर की वो बराबर है 8 foot 0 inch के. इट मीन्स कि जो 1/4 inch की लाइन आपने रिप्रेजेंट की है अपनी बिल्डिंग के लिए उसकी टोटल लेंथ जो है एक्चुअली वो 8 foot है. और यू कैन से अगर आपके पास 8 foot की वॉल है तो पेपर के ऊपर वो 2 inch के अंदर शो की जाएगी अगर आप 1/4 inch की स्केल को यूज कर रहे हैं. और इसके अंदर वेरियस जो आर्किटेक्चर स्केल की सब डिवीजन है वो 3/32, 3/16, 1/8, 1/4, 3/8 एंड सो ऑन, ये सब आपके पास सब डिवीजन है आर्किटेक्चर स्केल की. ठीक है, ये आपके सामने आर्किटेक्ट स्केल जो है वो नजर आ रही है और इसकी डिफरेंट डिवीजन. यहाँ पे फर्दर कुछ डिफरेंट स्केल्स की एग्जाम्पल है आपकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए के फुल स्केल के अंदर आपकी डिवीजन किस तरह से हो रही. इस वर्ड का जो पर्पस है कि 0 से 1 के दरमियान 16 इंचेस है, मतलब 16 सब डिवीजन है सॉरी. और इसी तरीके से 1/8 inch की साइज की स्केल है, 1/4 के साइज की स्केल है एंड सो ऑन. और यहाँ पे ये सारी जो है आपके पास आर्किटेक्चर स्केल की फर्दर एग्जाम्पल है 3/16, 3/32, 1/8, 1/4 एंड सो ऑन. So the basic unit of measure for metric scale is a millimeter and the abbreviation is millimeter and it is not used in metric drawing since all dimensions are in millimeter. So jo bhi aapki drawing agar millimeter mein bani hui hai to har dimension ke sath aap millimeter ki sign ko include nahi karte. Uske liye aap proper title block ke andar baqaida ek note add karte hain ki all dimensions are in millimeters. So all countries except the United States use the metric system for building or drawing the technical drawing and manufacturing, although we are gradually converting. तो ये आपके सामने 1:1 की मिलीमीटर स्केल की फिगर जो है वो आ रही है स्केल की. यहाँ पे जी आपके पास ट्राई स्टेज की कुछ फिगर्स हैं जो कि मिलीमीटर के अंदर है और उसकी 1:10 के साथ है, 1:20 के साथ है, इसी तरह से 1:50 millimeter के साथ जो है आपके पास डिफरेंट मिलीमीटर्स की जो स्केल्स हैं वो नजर आ रही है स्क्रीन पे. सो ड्राफ्टिंग स्केल्स जो है वो आपके पास दो तरह से होती हैं, वो ओपन डिवाइडेड भी हो सकती हैं और वो फुल डिवाइडेड भी हो सकती हैं. तो वन मेन जो मेजर यूनिट है आपका ओपन डिवाइडेड स्केल इज ग्रेजुएटेड विद अ फुल डिवाइडेड यूनिट, इट इज एडजेसेंट टू द zero and full divided scale contain the full subdivisions lines throughout the entire length of the scale. So ye hamare paas full divided scale hai jiske andar subdivisions har 8 1 0 1 2 3 matlab har 8 point ke baad uske andar jo hai subdivisions available hai.
जबकि ओपन डिवाइडेड स्केल के अंदर सब डिवीजन स्टार्ट में अवेलेबल होती हैं एंड देन आपके पास मार्कर्स होते हैं। तो आप क्या करते हैं, अगर आपके पास ओपन डिवाइडेड स्केल है तो आप पहले अपनी जो रिक्वायर्ड लेंथ की मैयर करना चाह रहे हैं वो आप मैयर कर लेंगे स्केल के साथ, लेट्स से कि ये जीरो और ये वन है, और ये अब इतना जो पोर्शन है अब आप उसको कैसे मैयर करेंगे, उसको मैयर करने का जो मेथड है वो इस तरीके से है कि आप अपने इस स्केल को मूव करते हैं राइट साइड पे और फिर इस पॉइंट तक कि आपका ये जो स्केल का पॉइंट है वो इसके साथ अलाइन हो जाए। और देन आप क्या करते हैं, सॉरी, एंड देन आप यहाँ से इन मार्कर्स को, मतलब इन सब डिविजन की मदद से मार्क कर लेते हैं अपनी लाइन की लेंथ। सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेट ऑफ द पेपर ड्राइंग आर मेड ऑफ फुल रिड्यूस और इन लार्ज साइजेस। तो पेपर के साइज की लिमिट को देखते हुए जो ड्राइंग्स हैं वो फुल भी बन सकती हैं, रिड्यूस और इन लार्ज साइजेस के अंदर भी हम बना सकते हैं। सो दीज स्केल जो हैं आर बेसिकली गिवन फॉर द रिड्यूस और इन लार्ज लेंथ फॉर अ ड्राइंग। एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ लेंथ ऑन द ड्राइंग टू द लेंथ ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। हेंस द लेंथ in both the nominator and the denominator should be measured in the same units. तो dimension जो है, अगर आपके पास लार्ज ऑब्जेक्ट है और आपने उसको रिड्यूस करना है कि आप अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर उसको ड्रा कर सकें, तो उस के लिए जो हम स्केल को रिड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं रिडक्शन रेशियो, और जो हमने स्केल को रिड्यूस किया है उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग स्केल, और जो ये रेशियो है उसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, एंड इट शुड बी लेस देन एंड इट विल ऑलवेज एंड इट इज बेसिकली सॉरी इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। एज लेट से अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 20 मिलीमीटर है और आपने उसको 10 मिलीमीटर रिप्रेजेंट किया है अपनी ड्राइंग के अंदर, तो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की रेशियो की होगी वो 0.5 मिलीमीटर होगी या 1/2 होगी। सो दिस मीन द स्केल ऑफ ड्राइंग इज बेसिकली हाफ ऑफ द फुल स्केल। सो फॉर द केस ऑफ फुल साइज स्केल रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और वी कैन से 1:1। तो अगर आपके पास एक 20 मिलीमीटर की लेंथ का ऑब्जेक्ट है और आपने 20 मिलीमीटर ही उसको ड्रा किया है अपनी ड्राइंग के ऊपर, तो वो आपके पास जो रिप्रेजेंटेटिव रेशियो है वो बेसिकली इक्वल है 1 के। तो हम ये कहेंगे कि जो आपकी ड्राइंग है वो फुल साइज के साथ बनेगी। सिमिलरली अगर कोई टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास और उनकी डिमेंशंस को ड्रा करने के लिए आपको उसको साइज इंक्रीज करना पड़ता है, लार्ज करना पड़ता है, तो उसके लिए जो हम स्केल यूज करते हैं उसको हम इनलार्जिंग स्केल कहते हैं, और इसकी जो रेशियो है डेफिनेटली उसको हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहेंगे एंड इट इज मोर देन यूनिटी। लेट्स से 20 मिलीमीटर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को आपने 100 मिलीमीटर लेंथ के साथ रिप्रेजेंट किया है अपनी ड्राइंग के ऊपर, तो जो रेशियो होगी जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की वैल्यू है दैट इज 5:1। इट मींस कि आपने 5 टाइम अपनी स्केल को इनलार्ज किया है। There are some other different types of drawings or that is basically used for the mechanical engineer, civil engineers and the metric engineer scale. तो अगर आप अपनी ड्राइंग को फुल साइज के ऊपर ड्रा करते हैं तो उसको 1:1 के साथ आप डोनेट करते हैं। इसी तरीके से अगर आप हाफ टाइम उसको बना रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर उसको लिखने का जो मेथड है वो इस तरीके से है। इसी तरीके से सिविल इंजीनियर में आप इसको इस तरीके से लिखते हैं और मेट्रिक स्केल में आप इस तरीके से लिखते हैं। सो दीज आर द बेसिकली नोटेशन दैट इज बेसिकली यूज फॉर मेंशनिंग विच स्केल जो है आपने विच स्केल टाइप इज बेसिकली यूज फॉर the making or developing the drawing. So specifying the scale on a drawing, there are several acceptable methods जो हैं वो available हैं scale को note करने के लिए, उसकी noting के लिए। all of them जो है उसका purpose जो है वो relationship बताना है कि size और object का जो draw हुआ है और जो actual में है उसके साथ क्या relationship है। तो आप स्केल को 1:2 के साथ भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं है, सबका मतलब सेम ही है।
ये आपको स्क्रीन के ऊपर एट फिगर जो है वो इलिस्ट्रेट हो रही है कि आपका एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, और जब आप इसको फुल स्केल पे ड्रा करेंगे तो वो एज इट इज ही ड्रा होगा, जब आप उसको हाफ कर देंगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से ड्रा होता नजर आएगा, और जब आप उसको टू टाइम्स एनलार्ज कर देंगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, स्केल कन्वर्जन, स्केल कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है जस्ट फॉर योर रीकैप पर्पस। तो ये आप देख लें कि लेट्स से यू कैन से 10 मिलीमीटर इज बेसिकली इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर एंड सो ऑन। इसी तरीके से 1 मिलीमीटर की कन्वर्जन है 1 माइल्स, यार्ड, फुट एंड इंच, दीज आर जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस ओनली। फर्दर जो रिसोर्सेज हैं वो आपकी गूगल क्लासरूम के ऊपर ऐड है, तो आप वहाँ से इनको असेस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल के बारे में फर्दर जो नोट्स अवेलेबल हैं वो आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर पोस्ट किए हुए, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। और फर्दर जो आप स्केल को कैसे पढ़ते हुए अपनी लाइन को मतलब मार्क करेंगे या चेक करेंगे कि लाइन की लेंथ कितनी है, उसका जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है उसका मेथड भी डिटेल के साथ गूगल क्लासरूम के ऊपर अपडेट अपलोड है, तो आप वहां से उनको असेस कर सकते हैं। स्केल की ये एक्टिविटी है जो कि आपने खुद करनी है, यू आर योर ओन, और ये आपने सिंपल इसका प्रिंट निकालना है और स्केल की मदद से आपने इन लाइंस को, इनकी जो लेंथ है उसको मेजर करना है, और मेजर करके इसी के आगे आपने प्लेस कर देनी है कि इसकी लेंथ कितनी है। और जो आपने स्केल की टाइप यूज करनी है वो फुल साइज स्केल है, 1/2 इंचेस इक्वल टू 1 जो इंचेस है इसको आपने यूज करना है, और फुल साइज मीट्रिक मिलीमीटर जो स्केल है, ये तीन टाइप की स्केल को आपने यूज करते हुए इन लाइंस की लेंथ को मेजर करना है। और ये एक्टिविटी नंबर 2 है जी, इसके अंदर भी आपने सेम अपनी स्केल को यूज करते हुए 16 इंच की जो स्केल है उसको यूज करते हुए आपने इन सब पॉइंट्स की लाइन को मेजर करते हुए हर एक अल्फाबेट्स के आगे उनकी जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो लिखनी है। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द एंगल्स एंड इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इन सेमीकंडक्टर और सर्कुलर शेप एंड हैज अ स्क्वायर और बेवल एजेस। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यू कैन ड्रा एनी kind of angle, let's say you can say 17.1, 2.1, 3.1, जो कि आप सेट स्केयर की मदद से ड्रा नहीं कर पाते, मतलब फ्रैक्शन में जो एंगल है, let's say अगर आप कहते हैं कि 39.3 डिग्री का एंगल आपने ड्रा करना है तो वो आपको ड्रा करने के लिए प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ती है। और जो प्रोटेक्टर्स हैं वो आपके पास 100, 150 और 200 मिलीमीटर के डायमीटर के साथ भी अवेलेबल हैं, जो कि यूज किए जाते हैं मेजरमेंट्स के लिए। सेंटर जो है आपके प्रोटेक्टर का वो बेसिकली प्लेस किया जाता है टू इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के दरमियान, और एट लाइन के साथ उसको एडजस्ट किया जाता है, और सेकंड लाइन जो है उस पॉइंट के साथ ड्रा की जाती है उस एंगल के ऊपर जो आपने ड्रा करनी है या जो आपको रिक्वायर्ड है एंगल, और अदर स्ट्रेट लाइन जो बेसिकली वो फिर आपके उस एंगल की मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है या ड्रा करने के लिए भी यूज कर सकते हैं आप डी को, डी प्रोटेक्टर को डी भी कहा जाता है। ये आपके सामने एक एग्जांपल है डी टी। इरेगुलर और फ्रेंच कर्व, वाइड वैरायटी के अंदर इरेगुलर और फ्रेंच कर्व जो है वो अवेलेबल हैं, और ये यूज किए जाते हैं आपकी ड्राइंग के ऊपर डिफरेंट कर्व्स को ड्रा करने के लिए, जो कि आप सर्कुलर आर्क की मदद से ड्रा नहीं कर पाते। तो यूज जो है इनका बेसिकली, फर्स्ट आप अपनी ड्राइंग एरिया के ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, और देन बाय हैंड जो है आप फ्री हैंड मतलब कि बाय विद द हेल्प ऑफ योर हैंड आप उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हुए एक स्केच को कंप्लीट कर लेते हैं, और इररेगुलर कर्व जो है ये आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट पेज के ऊपर मतलब नजर आ जाएंगे अभी लाइक दिस। ये आपके पास जो है जी ये फ्रेंच कर्व है, आप पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर इन पॉइंट्स को ड्रा करेंगे और फिर विद द हेल्प ऑफ हैंड आप इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हुए स्केल को मतलब कनेक्ट करते हुए अपने जो भी रिक्वायर्ड शेप है उसको ड्रा कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंच कर्व्स को ड्रा करते हुए ये चीज़ बहुत मायने रखती है,
कि आपकी जो सिमेट्रिसिटी है उस कर्व की वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और इसका आपने खास ख्याल रखना है। जब सेटिन कर्व शुरू हो तो वो आपने इसी फ्रेंच कर्व की मदद से ही उसको स्टार्ट करना है, ताकि उसके अंदर सिमेट्रिसिटी का एलिमेंट जो है वो बाकी रहे। ड्राइंग पेंट्स, क्लिप्स एंड एडहेसिव टेप, ये सब बेसिकली यूज किए जाते हैं आपके पेपर को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करने के लिए, ताकि जब आप ड्रा कर रहे हो ड्राइंग तो वो अपनी पोजीशन से मूव ना हो सके और आप इजीली और एक्यूरेट जो ड्राइंग है वो कंप्लीट कर सके, अपनी बना सके। तो आप पिंस भी यूज कर सकते हैं, क्लिप्स भी यूज कर सकते हैं, एडहेसिव टेप को भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ड्राइंग शीट्स एंड पेपर, ड्राइंग शीट जो है मार्केट के अंदर डिफरेंट साइजेस के साथ अवेलेबल है। ANSI का जो स्टैंडर्ड साइज की शीट्स है वो आपको यहाँ इस टेबल के अंदर नजर आ रही है, जो मिलीमीटर में US स्टैंडर्ड, आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड के अंदर इसके जो यूनिट्स की वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ज्यादातर जो हमारा काम हो रहा इस सब्जेक्ट में वो हम मेट्रिक साइज की मतलब A3 और A4 शीट को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट की ड्राइंग को बनाएंगे। रेस्ट अगर आप US स्टैंडर्ड और आर्किटेक्चर स्केल जो है वो भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। तो मेक श्योर के जो 8A4 शीट है, अगर हम इसको 2 times कर दें तो हमारे पास एक A3 शीट बन जाएगी। इसी तरीके से 2 times ऑफ A3 शीट इज बेसिकली इक्वल टू द A2 एंड सो ऑन। दो अगर आपके पास A2 शीट्स हैं तो वो 8A1 शीट बना देगी, और अगर 2 A1 शीट हैं तो वो A0 शीट बना देगी। तो डायमेंशन को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप A4 शीट की डायमेंशन को याद कर लें, बाकी सबको आप 2, 2 से मल्टीप्लाई करते जाने तो आपकी ये सारी शीट के साइजेस जो है आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये प्रेफर सीरीज है शीट्स की, जिसके अंदर बॉर्डर ड्रा किया हुआ है और उस बॉर्डर के साथ आपकी डायमेंशन की वैल्यूज को भी ड्रा किया हुआ है। इसके बारे में जो फर्दर डिस्कशन है वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, और ये बॉर्डर को हम कैसे ड्रा करते हैं इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। अब है जी ग्रिड पेपर। ग्रिड पेपर जो है बेसिकली वेरियस पैटर्न के साथ अवेलेबल है मार्केट में, लाइट 4x4 के, 8x8 और आइसोमेट्रिक ग्रिड के पेपर्स। और ग्रिड पेपर बेसिकली आपके प्रोडक्ट की डेफिनेटली अगेन ड्राइंग को ही बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बनानी है तो फिर आप आइसोमेट्रिक पेपर को यूज करते हैं, अदरवाइज जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस वगैरह हैं वो सब आप इन ग्रिड पेपर्स के ऊपर भी बना सकते हैं। पेंसिल्स, पेंसिल आर द बेसिकली प्राइमरी टूल्स इन द ड्राइंग, और पेंसिल की डेजिग्नेशन जो है वो उनके ग्रेड के साथ लिंक है, और क्वालिटी ऑफ ड्राइंग जो है बेसिकली वो पेंसिल की सिलेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती है। लाइक अगर आप प्रॉपर ग्रेड की पेंसिल यूज करेंगे तो आपके जो प्रोडक्ट की जो ड्राइंग होगी वो ज़्यादा बेहतर बनेगी। और जो ड्राफ्टिंग लेड्स होती हैं, मतलब जो ड्राफ्टिंग की पेंसिल्स हैं, वो सारी ज़्यादातर बनाई जाती हैं ग्रेफाइट के साथ, रादर देन कि उनको लेड के साथ बनाया जाए। और दो मोस्ट कॉमन ड्राफ्टिंग पेंसिल्स जो हैं वो आपकी वुड और थिन लेड मैकेनिकल पेंसिल्स होती हैं। और ग्रेफाइट लेड्स जो हैं बेसिकली वेरियस डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के अंदर अवेलेबल हैं मार्केट में। और यहाँ पे इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि हार्डेस्ट लेवल जो है वो 9H है और सॉफ्टेस्ट लेवल जो है वो 9B है, और ये आपके पास इन बिटवीन मिडल में सॉफ्टेस्ट हार्डेस्ट टू सॉफ्टेस्ट जो रेंज है पेंसिल्स की वो अवेलेबल है। तो हार्ड ग्रेड की जो रेंज है आपकी 4H to 9H के दरमियान होती है, और जो हायर ग्रेड जितना जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना उतना लेड जो है वो हार्डर होता जाएगा। और हार्डर लेड जो है बेसिकली यूज किया जाता है आपकी कंस्ट्रक्शन लाइंस को ड्रा करने के लिए, और 4H जो आपकी पेंसिल की टाइप है ग्रेड की ज़्यादातर वो यूज की जाती है। इसी तरह से हमारे पास मीडियम ग्रेड ग्रेड के भी लेड्स अवेलेबल हैं, जिनके अंदर 3H, 2H, HF, HB एंड B आते हैं। और ये लेड जो है जनरल पर्पज आपकी जो वर्क है उसके लिए, सच एज विजिबल लाइन, डायमेंशन, सेक्शन एंड सॉर्ट ऑफ सेंट्रल लाइंस को ड्रा करने के लिए यूज किए जाते हैं।
सॉफ्टवेयर ट्रेड्स जो हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, जैसा कि एच बी एंड बी, और मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं आपकी स्केचिंग पर्पज के लिए। और सॉफ्ट लेड जिसकी रेंज 2B से 7B के दरमियान होती है, लार्ज जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका ग्रेड जो है वो सॉफ्ट होता जाएगा, और ये ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज नहीं किए जाते इंजीनियरिंग और टेक्निकल ड्राइंग के अंदर, ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं आर्ट वर्क के लिए और आर्किटेक्चर रेंडरिंग पर्पज के लिए। सो आफ्टर ड्राइंग विद एनी ग्रेफाइट लेड, रिमेंबर टू ब्रश द सर्फस पीरियोडिकली विद द डस्टिंग ब्रश सो दैट द फॉरन मैटर्स एंड इरेजन लिविंग्स कैन बी रिमूव। ये हमारे पास एक लेड ग्रेड्स की रेंज जो है अवेलेबल है, लाइक हार्ड, मीडियम एंड द सॉफ्टर। और यहाँ पे उसी चीज जो मैंने ऊपर अभी स्लाइड में एक्सप्लेन किया है उसकी समरी बताई हुई है कि 4 and 6 HT पेंसिल आपकी किस पर्पज के लिए यूज की जाती है, इसी तरीके से HN2HT, HNFT एंड सो ऑन। थिक डार्क लाइंस जो है आपकी ऑब्जेक्ट लाइन, बॉर्डर लाइन और लैटिन पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, और उनकी जो थिकनेस होती है वो 0.7 to 0.9 मिलीमीटर होती है। थिन डार्क लाइन जो है वो डोर स्विन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, एक्सटेंशन लाइन एंड डायमेंशन लाइन के लिए हम यूज करते हैं, और इनकी जो थिकनेस है वो 0.5 to 0.3 मिलीमीटर होती है। और थिन लाइट लाइंस जो है लेआउट लाइंस और गाइड लाइंस के लिए यूज की जाती है, और इनकी थिकनेस भी 0.5 से 0.3 मिलीमीटर के लिए होती है। एंड दीज आर द रिकमेंडेड पेंसिल फॉर द मैनुअल ड्राफ्टिंग। सो इफ यू वांट टू पॉइंट इन द ड्राफ्टिंग पेंसिल देन यू कैन सी अ रेगुलर पेंसिल विद शार्प एजेस एंड द ड्राफ्टर पेंसिल विद शार्पन मस्ट बी अ पॉइंटर। तो अगर आप अपनी मतलब जो आप ड्राइंग ड्रा कर रहे हैं, और ये इम्पोर्टेंट है कि आपने रोटेट द पेंसिल सो दैट द पॉइंट डज नॉट बिकम बेवल्ड, आप अपनी पेंसिल को रोटेट कर दें ताकि जो बेवल पॉइंट हैं वो आपके ना बन सके, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट लाइन थिकनेस। तो डिफरेंट लाइन थिकनेस अगर आपको चाहिए तो उस पर्पज के लिए आप अपनी पेंसिल को रोटेट कर सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करें कि आप अपनी पेंसिल की ओरिएंटेशन इस तरीके से रखें कि बेवल जो है वो प्रोड्यूस ना हो सके आपकी ड्राइंग के अंदर। पेंसिल शार्पनर एंड इरेजर या जो है बेसिकली जो भी आप ड्रा करते हैं उसको इरेज करने के लिए आप शार्प इरेजर यूज करेंगे, और अपनी पेंसिल को शार्पन करने के लिए आपको शार्पनर की जरूरत पड़ेगी। इरेजिंग शेल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बेसिकली आपकी ड्राइंग का वो अनवांटेड पार्ट जो आप रिमूव करना चाहते हैं वो आप इरेजिंग शेल के साथ रिमूव कर सकते हैं, और जबकि वो वाला पार्ट जिसको आप रिमूव नहीं करना चाहते उसको आप सिक्योर कर सकते हैं इस इरेजिंग शेल के साथ। सो इरेजिंग शेल इज बेसिकली यूज टू प्रोटेक्ट द ड्राइंग फ्रॉम गेटिंग इरेज वाइल इरेजिंग द अनवांटेड पोर्शन। तो जिस पोर्शन को आपने इरेज करना है उसके ऊपर आप प्लेस करते हैं अपनी इरेजिंग शेल को, और ये जो इसके ऊपर डिफरेंट होल्स और डिफरेंट साइज अवेलेबल है इसकी मदद से आप उसको उस एरिया के ऊपर प्लेस करते हैं जिसको आपने रिमूव करना, और आप इजीली उसको इरेज कर लेते हैं, और बाकी की जो ड्राइंग है वो आपकी एज इट इज रहती है। ये बेसिकली ये थिन प्लेट होती है जो कि प्लास्टिक और मेटल की बनी होती है, और इसकी जो ओपनिंग होती है वो डिफरेंट साइजेस और शेप्स के अंदर अवेलेबल होती है। टेम्पलेट्स आर बेसिकली यूज टू ड्रा अ टाइनी होल्स और आइसो सर्कल्स एंड सम अदर ऑब्जेक्ट्स, और फास्टली जो है उनको आप ड्रा कर सकते हैं, लाइक अगर आपके सर्कल्स ड्रा करने और बहुत माइनर डाया है तो आप टेम्पलेट्स का यूज करते हैं जो कि आप कंपस से ड्रा नहीं कर पाते। इसी तरीके से हेक्साडोनल, ट्राइंगल्स हैं, और सम लैटरिन के लिए भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, ऑल्दो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपने किस हद तक लैटरिन जो है वो टेम्पलेट के साथ करनी है। इसी तरीके से अगर आप आइसोमेट्रिक डिजाइन ड्रा कर रहे हैं तो उसके लिए आप आइसोमेट्रिक एलिप्स जो है टेम्पलेट की वो यूज करते हैं, और उसकी मदद से आप आइसो सर्कल्स जो है वो ड्रा कर लेते हैं आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर। डस्टर आपकी ड्राइंग को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, और ताकि आपकी ड्राइंग जो है वो नीट एंड क्लीन रहे और वो डस्ट फ्री रहे, और उसके साथ साथ जो पेंसिल्स के थ्रू आप जब ड्रा करते हैं शेप को, तो अगर आप उसको हैंड के साथ इरेज कर मतलब अपनी पेज को
साफ करने की कोशिश, क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो वो जो स्मज है पेंसिल का वो आपके पेज के ऊपर स्प्रेड हो सकता है, जिससे आपकी ड्राइंग जो है उसकी नीटनेस खराब हो सकती है। तो इसीलिए हम डस्टर का इस पर्पज के लिए यूज करते हैं, या आप कपड़ा भी यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। फ्लेक्सिबल कर्व जो है बेसिकली अल्टरनेटिव है फ्रेंच कर्व का। पर्पज इसका ये है कि ये फ्लेक्सिबल होती हैं, ये फिट्स नहीं होती, इनको आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और आप इजीली अपने जो डिफरेंट आर्ट हैं वो ड्रा कर सकते हैं, जो कि आप नॉर्मल कंपास की मदद से ड्रा नहीं कर पाते। और ये मार्केट के अंदर 30, 40, 50 एंड 60 मिलीमीटर और मे बी सेंटीमीटर के साइजेस के साथ अवेलेबल हैं। ट्रेसिंग पेपर का पर्पज जो है वो बेसिकली आपके थिन ट्रांसपेरेंट और इनएक्सपेंसिव पेपर होता है, और इसका मेन पर्पज जो है बेसिकली जो भी अगर कोई स्केच है उसको आपने उसका इमेज ड्रा करना है पेपर के ऊपर, मतलब उसको अगर रेप्लीकेट करना है सेम, तो आप ट्रेसिंग पेपर को यूज कर सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट स्केचिंग के आइडियाज को ड्रा करने के लिए भी ट्रेसिंग पेपर को यूज करते हैं, और परमानेंट टाइप की जो ड्राइंग है उसके लिए हम इसको यूज नहीं करते। टी स्टेयर, टी स्टेयर जो है एक टी शेप डिवाइस होती है जो कि हॉरिजेंटल लाइंस को ड्रा करने के लिए यूज की जाती है, और ये कंसिस्ट होता है टी स्टेयर आपका एक स्टोर और ब्लेड ज्वाइंग के साथ जो टुगेदर होते हैं राइट एंगल के ऊपर, ठीक है। और जो इनर एज होता है स्टोर का उसको हम मेटिंग एज भी कहते हैं, जो कि परफेक्टली स्मूथ एंड स्ट्रेट होता है, क्योंकि इसने बेसिकली मूव करना होता है आपके ड्राइंग बोर्ड के ई बोनी साइड के साथ, ताकि आप हॉरिजेंटल और स्ट्रेट लाइंस को इजीली ड्रा कर सकें, और आप अपने इजी सेट स्ट्रेट अप एंड डाउन मूव करते हुए डिफरेंट पैरेलल और स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। ये आपके सामने जी टी स्टेयर्स हैं। शीट कंटेनर का पर्पस आपकी शीट को स्टोर करना होता है, ताकि आप उसको इजीली कैरी आउट कर सकें किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और ताकि आपकी जो ड्राइंग की शीट है वो सेफ एंड सिक्योर रहेगी, वो खराब नहीं होगी और उसके ऊपर डिफरेंट बैंड्स नहीं आएंगे। सैंड पेपर का जो इस्तेमाल है उससे आप अपनी पेंसिल के जो मतलब लेड है उसको शार्प कर सकते हैं, ताकि आप बार बार अपनी पेंसिल को शॉर्पन उसे ना करना पड़े, और डिफरेंट फाइन रेट के जो सैंड पेपर्स हैं वो प्रेफर किए जाते हैं आपकी ड्राइंग के अंदर बनाने के लिए, पेंसिल को शार्प करने के लिए यूज किए जाते हैं, ताकि आपकी ड्राइंग जो है वो बेहतर बन सके। पेपर नैपकिन एंड हैंडकरचीफ आर अगेन बेसिकली यूज फॉर नीड एंड क्लीन द ड्राइंग शीट फॉर एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स फ्रीक्वेंटली, और आर कॉटन हैंडकरचीफ कैन बी एडवांटेजली यूज टू रिमूव इरेजर क्रम्ब फ्रॉम द शीट। दैट्स ऑल।